हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज वीडियो शूट कर रहा हूँ छत के ऊपर, फुल्ली आउटडोर के अंदर। हमें इसे पता नहीं कैसी आ रही है इधर, तो पहले मैं लोकेशन को चेंज करता हूँ फिर वीडियो को। दोस्तों ये मेरे पीछे दीवार है और मैं एक आज से फ़ोन को डाट रखा हूँ और एक आज से वीडियो शूट कर रहा हूँ। इसी को तो मजबूरी कहते हैं। खैर कोई नहीं दोस्तों, यार यहाँ पे भी कुत्तों का शोर है। मेरे साथ सबसे ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मैं वीडियो स्टार्ट करने लगता हूँ और शायद ने पता नहीं अजीब गरीब सी नॉइस आपको कैसी आ जाती है। खैर कोई नहीं दोस्तों, हमारी इंडिया की टॉप ऑटोमोबाइल कंपनी की बात करें तो मारुति सुजुकी का नाम हमेशा उस पर बना है। मारुति सुजुकी अपने टॉप रेटेड और ट्रस्टेड कंपनी है एक प्रकार से देखा जाए तो मारुति सुजुकी अपने लाखों कार यूनिट सोल्ड करता है हर महीने, और ये अक्सर ऐसा ही सीन रहता है मारुति सुजुकी के साथ में। मारुति सुजुकी ने एक कार लॉन्च की थी, शायद इस टाइम तो बहुत ज़्यादा हुआ है कार को लॉन्च किए, इग्नेस या कुछ और नाम हो सकता है उसका। तो बात करते हैं उस कार की प्राइस कॉम्बिनेशन की। तो 6 या 7, 4-5 लाख से कार की प्राइस शुरू होती है और टॉप वेरिएंट तक ऑन रोड कंप्लीट पहुंच जाती है 7,40,000 के लगभग। सेफ्ट रेटिंग की बात करें तो कई जगह 2 स्टार बताया गया है तो कई जगह 0 स्टार बताया गया है। कन्फर्मेशन मुझे नहीं है इसलिए मैं आपको गलत न्यूज़ प्रोवाइड नहीं कराऊँगा। तो एक हैचबैक कार की श्रेणी में आती है ये कार, कि जैसे वेगनार वगैरह ये आती है, हैचबैक वैसी कार आती है इग्नस। तो बहुत से लोगों ने परचेस की थी लेकिन इसके रिव्यूज़ बिल्कुल ख़राब रिव्यूज़ आए थे। कंपनी लोगों ने इतने विश्वास नहीं किया था इग्निस के ऊपर। तो आज का फुल डेडिकेट वीडियो होने वाला है अपना मारुति सुजुकी इग्निस के बारे में, तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिए। तो सबसे पहले तो डिस्प्ले पर जो फोटोज चल रहे हैं, एक बार मैं इसका ब्राइटनेस हिट खिलाऊँ। मेरे साथ बहुत सी प्रॉब्लम होती है यार वीडियो शूट करता हूँ तो, लेकिन फिर भी तुम लोग लाइक मत किया करो। लाइक क्यों नहीं करते हो? तुम लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो सबसे पहले तो आप जो डिस्प्ले पे फोटोज़ चल रही है, वीडियो को डिस्प्ले पे, आपकी मोबाइल की स्क्रीन डिस्प्ले पे, उस फोटोज़ को ध्यान से देखिए और फिर आप देखिए कि ये एक्सीडेंट किस प्रकार से हुआ है। बताया जा रहा है कि ये जो एक्सीडेंट हुआ है ये हुआ है जो अपना झारखंड के अंदर कोई जगह है वहाँ के नाम से। कन्फर्मेशन मुझे पता नहीं है, इस कारण से मैं गलत इन्फॉर्मेशन आपको पता है मैं प्रोवाइड भी नहीं करवाता। तो एक्सीडेंट में हुआ क्या, जो ट्रक आगे से आ रहा था और इग्निस वाले ड्राइवर ने क्या किया कि वो ओवरटेक करने के चक्कर में कार से ट्रक से भिड़त हो गई है। इतना खतरनाक एक्सीडेंट होने के बाद भी बताया जा रहा है कि ड्राइवर थोड़ा गंभीर रूप से घायल हो गए थे, बाकी सेफ है। लेकिन ऐसी जगह पे अक्सर हम जो सिंगल हाईवे होते हैं उस पर ओवरटेकिंग कर, हाई स्पीड में ओवरटेकिंग नहीं करनी चाहिए क्योंकि अक्सर ऐसे एक्सीडेंट हो जाते हैं। और फिर आपके पास एक बिल्ड क्वालिटी भी कार की ठीक ठाक सी नहीं है और सेफ्टी रेटिंग तो क्या ही है फिर। तो फिर ऐसी चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखते हुए करो। और यहाँ ये चीज़ मैं जानता हूँ, अगर कोई इग्निस को इस वीडियो को देख रहा है, इग्निस का ओनर, तो बुरा नत मत माने, जो हकीकत है वही मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। और हाँ, पिछले 2-3 दिन से मारुति सुजुकी की भी वीडियो आ रही लगातार, तो मारुति सुजुकी वालों से मेरे कोई दुश्मनी नहीं है। कोई मारुति सुजुकी से देख रहा है तो प्लीज़ यार, मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, बस जो हकीकत चीज़ें होती है और जो मेरे साथ पास आती है मैं वो चीज़ें शेयर करता हूँ मेरी ऑडियंस के साथ में। तो इग्निस का जो ड्राइवर है वो इतने खतरनाक, इग्निस तो लगभग ख़त्म ही हो गई है, इतने खतरनाक एक्सीडेंट होने के बाद भी ड्राइवर सेफ है, ये बहुत अच्छी बात और बहुत ही बड़ी बात है। तो यार आप कोई भी कार परचेस करो तो सबसे पहले बिल्ड क्वालिटी और सेफ्टी रेटिंग का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि इस कंपेरिजन कर सकते हो आप दूसरी कार्स के, दूसरी कंपनी से, खैर मैं तो कंपेरिजन में किसी का कार का कंपनी का नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन सेफ्टी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। तो प्राइस में कॉम्प्रोमाइज़ चला जाए, आप 1-2 लाख रुपये से ज़्यादा बजट करके कार परचेस कर सकते हो, लेकिन यार सेफ्टी तो सेफ्टी है ना, क्योंकि फर्स्ट अथॉरिटी हम सेफ्टी को देते हैं, क्योंकि अपनी सेफ्टी अपने हाथ में, बाकी सब रब करेगा। तो दोस्तों कार को ओवरटेकिंग करते हुए उसमें हाई स्पीडिंग में ना चलाए आप, और सिंगल हाईवे तो आप हाई स्पीड पर ना चलाए और ट्रैफिक नियमों का पालन करें। वीडियो ज़्यादा लंबा ना बनाते हुए इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपके पास किसी भी एक्सीडेंट या कार एक्सीडेंट की फोटोज़ है तो अबाउट सेक्शन में, सॉरी यार अबाउट में भी मेरा ईमेल है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टा आईडी भी है और मेरी जीमेल भी है, आप वहाँ पे मुझे भेज सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ रात को 8 बजे एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले।